हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल लिखनू बी एस विद जी क्लासेज विथ मोनिका अगर आपको मेरी वीडियोज़ यूजफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है बॉटनी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट कोड है बी बी वाई बी बी वाई सी टी वन थ्री सेवन इज योर सब्जेक्ट कोड तो इससे रिलेटेड जो है ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि टोटल कंटेन कर रहा है टेन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है ईच मार्क्स कंटेन टू पॉइंट फाइव ठीक है और चार पॉइंट्स यहाँ पर पूछे गए हैं तो टोटल टेन मार्क्स का यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन रहा है ठीक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आगे जो है हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे पूरा जो है सोल्ट जो आंसर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है so, सो Uh, चार पॉइंट्स के द्वारा जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है पहला है फोसफोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फोसफोराइलेशन सेकेंड है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हीबिटर इन्हीबिशन और थर्ड है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड फोर्थ वन इज सी थ्री एंड सी फोर प्लांट में इन सब में जो है डिफ्रेंशिएट करके बताना है डिफरेंस बताना है दोनों में डिफ्रेंसीशन बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है ठीक है तो चलो हम इसका आंसर देख लेते हैं अब यहाँ पे देख लो फोस्फोराइलेशन क्या बताया गया है फोस्फोराइलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो है लाइट एनर्जी जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है इनटू अ केमिकल एनर्जी ठीक है अगर हम सिंपल वे में बात करें तो जो है ए टी पी अपने आप को सिंथेसाइज कर लेती है विद द हेल्प ऑफ द ए टी पी ठीक है अब यहाँ पर क्या बताया गया है द फोटो फोस्फोराइलेशन नाम से ही पता चल रहा है फोटो का मतलब होता है लाइट ठीक है फोटो फोस्फोराइलेशन अकर इन क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ पर अकर होता है ये क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब फोटोसिंथेसिस होती है ना ठीक है तब जो है फोस्फोराइलेशन जो है उत्पन्न होता है किसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेकेंड पॉइंट है लाइट एनर्जी जो है वो यूज होती है इन फोटो फोसफोराइलेशन ठीक है नाम से ही पता चले फोटो मतलब लाइट तो सिंपल सी बात है लाइट एनर्जी इसमें यूज़ होगी ठीक है और वो जनरेट करेगी प्रोटोन ग्रेडियंट्स को प्रोटोन जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे इन द ल्यूमेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ठीक है प्रोटोन्स सारे जो होते हैं वो अपने आप को एक्यूमुलेट इकट्ठा करना स्टार्ट कर लेते हैं किसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन के अंदर ड्यूरिंग फोटोफोसफोराइलेशन ठीक है ये हो गया फोटोफोर्सफोराइलेशन अब हम जो है ऑक्सीडेटिव फोसफो रॉइलेशन के बारे में बात कर लेते हैं अब इसमें क्या बताया गया है जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होती है वो अकर होती है माइटोकोंड्रिया के अंदर ड्यूरिंग सेल रेस्पायरेशन में जब सेल की रेस्पायरेशन होते हैं ना एरोबिक सेल्स के अंदर जो है वो जो है अपने आप को एनर्जी कन्वर्ट कर लेता है ठीक है तो इसमें क्या है जो एरोबिक uh, सेल्स होते हैं ना वो अपने आप को क्या करते हैं कि वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म uh, के द्वारा तो यहाँ पर क्या बात करी गई है जो माइटाकोंड्रिया जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन uh, है वो माइटोकट्रे के अंदर अकर होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर ठीक है यहाँ पर जो है प्रोटोन ग्रेडियंट इज़ जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो प्रोटोन जो है वहाँ पर जनरेट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव ऑफ़ एन ए डी एच एन एफ ए डी एच टू अब प्रोटोन यहाँ पर क्या करेंगे अपने आप को एक्यूमुलेट करेंगे इन द इंटर मेम्ब्रेनस रीजन ऑफ माइटोकोन्ट्रे जो माइट्रोकॉन्ट्रेट के अंदर जो है मेम्ब्रेन होती है अंदरली मेम्ब्रेन होती है वो अपने आप को वहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर देंगे ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फोर्सफोराइजेशन के ठीक है ये हमने थ्री पॉइंट्स के द्वारा और ये सफिशियंट है अगर आप ये सीधा जो है लिख देते हैं अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है और आप ये लिख दोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे यू विल गेट फुल मार्क्स ठीक है अगर आप सेम ये थ्री पॉइंट्स भी लिख देते हो तो अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट uh, हमसे क्या पूछा गया है uh, अब सेकेंड हमसे पूछा गया है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन अब देख लो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का क्या बताया गया है ब्लॉकेज ऑफ द एक्शन ऑफ एन इन जाइम ऑन इट्सट्रेटम बाई रिप्लेसमेंट ऑफ दब सबस्ट्रेट विद अ सिमिलर बट इन एक्टिव कम्पाउंड दैट कैन कम्बाइन विद द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम बट इज नॉट एक्टेड अपऑन और स्प्लिट बाय द एंजाइम अब सपोज ये कर लो ये है एंजाइम ठीक है ये एंजाइम है तो हमें पता है कि यहाँ पर सबस्टेटम आकर जो अटैच हो जाता है ठीक है बट अब कॉम्पिटिव इन्हीबिशन में क्या होगा जो ये सबस्टेटम है ये रिप्लेस करके जो है ना ये रिप्लेस हो जाएगा ये पूरा हट जाएगा हटने के बाद जो है जो इनहिबिशन है इनहिबिटर है वो यहाँ पर आकर जो है सब की जगह अटैच हो जाएगा ठीक है एक बार फिर से देख लो आ, क्या बताया गया है ठीक है डायग्राम के थ्रू ही हम देख लेते हैं जैसे ये इंजाइम है ठीक है एंजाइम है ये एक्टिव साइट है ये जो है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा सबस्टेटम तो हा हम, हमें पता है यहाँ पर आके जो अटैच हो लेकिन सबस्ट्रेटम को रिप्लेस करके जो है ना क्या होगा जो इनहिबिटर है ठीक है वो यहाँ पर आके जो है अटैच हो जाएगा सबस्टेटम के सतह पर ठीक है इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इन्हीभी ठीक है अब वहाँ पर है नॉन कॉम्पिटेटिव इन्हीभीन की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ये आपका एंजाइम है ये एक्टिव साइट है यहाँ पर सबस्ट्रेटम अटैच होगा लेकिन यहाँ क्या होगा कोई भी एंजाइम कोई भी इनिबिशन इनिबीटर आकर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी जो है आकर जो है अटैच हो जाएगा ठीक है ये इन्जाइम है ये सबस्ट्रेटम है और ये इनिबिशन है ठीक है इनिबीटर है तो यहाँ पर आकर जो है ये अटैच हो जाएगा ठीक है डायग्राम के थ्रू समझ आ गया कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव ठीक है फिर से देख लो कॉम्पिटेटिव में क्या है सबस्ट्रेटम को हटा के जैसे यहाँ बताया गया है उसको हटाकर जो है कौन अटैच हो जाएगा इनिवीटर अटैच हो जाएगा और नॉन कॉम्पिटेटिव इन्िवेशन में क्या है कि सबस्ट्रेटम तो वहीं पर रहेगा एंजाइम की अपनी एक्टिव साइट है वहीं पर ही रहेगा ठीक है बट यहाँ क्या है इनिवेटर जो है कहीं और आके जो है एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा ठीक है इतना हो गया अब क्या बताया गया है सेकेंड पॉइंट देख लो सिमिलर इन कन्फर्मेशन टू द सबस्ट्रेट ठीक है हैव अ डिफरेंट कन्फर्मेशन टू द सबस्ट्रेट ये है नॉन कॉम्पिटेटिव इन्हीविटर का अब जो है आ, क्या है सिमिलर इन द कन्फर्मेशन टू द सबस्ट्रेट का मतलब जो होता है जो संरचना होती है वो सेम रहती है सबस्ट्रेट की तरह ठीक है और इसमें जो संरचना होती है वो डिफरेंट होती है सबस्ट्रेट से इज़ दैट क्लियर अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या बताया गया है थर्ड पॉइंट यहाँ क्या बताया गया है कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ये क्या है सबस्ट्रेट के साथ कम कम्पीट करता है ताकि जो एक्टिव साइट पर जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पर जो है ये अपने आप को बाइंड कर सके ठीक है और यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बाइंडिंग होती है एंजाइम uh, के सबस्ट्रेट में वो जो है कॉम्प्लेक्स होती है ठीक है यहाँ फोर्थ पॉइंट क्या है ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ द इंजाइम यहाँ पर जो है हमें पता है जैसे डायग्राम के हमने देखा था ये इंजाइम है तो ये जो है इसको इस जो एक्टिव साइट को जो है ब्लॉक कर देता है ठीक है जब इन्हीबेटर अटैच हो जाता है तो एक्टिव साइट को जो है ब्लॉक कर देता है और ये क्या है डिसलोकेट फ्रॉम द एंजाइम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिसलोकेट यानी कि संबंध विच्छेद कर देता है अपने आप को अलग कर देता है एंजाइम से विद इन अ शॉर्ट पीरियड कुछ टाइम के लिए ठीक है और जो है ये क्या है इंक्रीज करता है कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जो है ये बढ़ा देता है अब यहाँ पर क्या बताया गया है फोर्थ पॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टोशन इन शेप और साइज ऑफ़ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम डिसेबिलिटी द एजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वही है कि अब हमने देखा यहाँ पे आ गया ठीक है ये यह सब यहाँ तो सबस्टेट अटैच है बट इनिबिटर जो है कहीं आकर जो है अटैच हो जाता है जिससे जो है एंजाइम की जो है वो शेप और साइज़ जो है डिस्टोटेशन उसमें आ जाती है ठीक है अगला है रिमेन बाइंडिंग टू द एंजाइम फॉर अ कंसिडरेबल टाइम पीरियड अंटिल द सबस्ट्रेट बिकमे अनअवेलेबल अब यह क्या है इसमें क्या है ये जो इनिवेटर है ये इंजाइम के साथ ही जो है बाइंड करके रहता है जब तक कि सबस्टेट जो है अन अवेलेबल ना हो जाए तब तक जो है ये अपने आप को बाइंड करके रखता है वहाँ पे डो नॉट चेंज द सबस्टेट कंसन्ट्रेशन सबस्टेट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है ठीक है इज़ दैट क्लियर ये हो गया अब हम अगला देख लेते हैं थर्ड पॉइंट आपको क्या बताया गया है इसमें क्या पूछा गया आपके क्वेश्चन पेपर में वो देख लेते हैं सो so, नेक्स्ट है हम देख लेते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न ठीक है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या है ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड मीडियम के अंदर जो है ये प्रोसेस है वहीं हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन होता है लिक्विड के अंदर भी ये प्रोसेस होता है गैस के अंदर भी और इवन सॉल्वेंट के अंदर भी जो है ये उत्पन्न होता है ठीक है डिफ्यूजन होता है ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम के अंदर ही होता है ऑस्मोसिस में क्या रिक्वायर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होती है ठीक है सेमी परमिएबल जो जो है कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है वो मेम्ब्रेन के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं उसको सेमी परमियबल मेम्ब्रेन कहते हैं ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ जो है इच्छा अनुसार ही कुछ ही जो पार्टिकल्स को है एक एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकती है ठीक है बट डिफ्यूजन में ये मेम्ब्रेन रिक्वायर नहीं होती ऑस्मोसिस में क्या है डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व इन द सॉल्वेंट ठीक है कि कितने जो है सोल्वेंट पार्टिकल्स जो है सॉल्यूट uh, पार्टिकल जो है सोल्वेंट में डिजॉल्व हुए हैं अब डिफ्यूज़न में क्या है ये आ, डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्टिकल्स ठीक है डिफ्यूज़न जो है अदर uh, पार्टिकल्स के ऊपर जो है प्रेजेंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है ऑस्मोसिस में जो है वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए और वहीं हम डिफ्यूज़न की बात करें तो डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ़ द पार्टिकल इसमें जो पानी की ज़रूरत नहीं होती पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए सिर्फ जो है सॉलवेंट मॉलिक्यूल्स जो है वही डिफ्यूज़ होते हैं और इसमें क्या है दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट ही जो है वो डिफ्यूज होते हैं ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बताया है अकर ओनली इन वन डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होते हैं लेकिन डिफ्यूजन में क्या है हर डायरेक्शन में जो है डिफ्यूजन होता है ऑस्मोसिस में फिर अगला पॉइंट क्या बताया गया है द एंटायर प्रोसेस कैन आइदर बी स्टॉप्ड और रिवर्सिबल बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड ठीक है जैसे अगर हम थोड़ा सा प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो जो है जो प्रोसेस है या तो रुक जाएगी या फिर रिवर्स हो जाएगी लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है दिस प्रोसेस कैन नाइदर बी स्टॉप नॉर रिवर्स ना ही इसमें ये जो प्रोसेस है वो रुकेगी और ना ही जो है रिवर्स होगी अगर ओनली बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ सोल्यूशन जहाँ सेम टाइप का सोल्यूशन होगा वहीं पर जो है ओसमोसिस होगी ठीक है उसी के अंदर होगी बट डिफ्यूज़न में क्या बताया गया है अकर बिटवीन द सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन ठीक है सिमिलर में भी हो सकते डिफ्यूजन और डिसिमिलर टाइप के सॉल्यूशन में भी जो है डिफ्यूजन अकर हो सकती है नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन साइड टू द अनदर सिर्फ जो है मूवमेंट किसकी होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की होती है एक एक जगह से दूसरे जगह तक डिफ्यूजन में क्या होता है ये इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स की फ्रॉम वन रीजन टू ठीक है ये है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन नेक्स्ट जो हमसे क्या पूछा गया है दैट इज नेक्स्ट है सी थ्री प्लांट और सी फोर प्लांट अब सी थ्री प्लांट में जो नाइन्टी फाइव परसेंट जो झाड़ियां होगी पेड़ पौधे होंगे वो आती हैं ठीक है थीके? और सी फोर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है आ, ऐसे होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन जो है वह परफॉर्म करते हैं ठीक है थीके? जो कि डार्क रिएक्शन परफॉर्म करते हैं इन फोटोसिंथेसिस में उनको तो उनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो सी फोर प्लान के हैं ठीक है अब सी थ्री प्लांट में क्या होता है कि जो सी थ्री प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ओनली व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन ठीक है जब स्टोमेटा ओपन होगा तभी ये फोटोसिथिसिस करेगा लेकिन सी फोर प्लांट क्या होता है सी फोर प्लान कैन डू फोटो सिंथिसिस इवन द क्लोज कंडीशन जब स्टोमेटा क्लोज होगा तब भी जो है ये फोटो करते हैं सी फॉर प्लांट ठीक है अब सेकेंड पॉइंट क्या है द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ़ फोटोसिंथेसिस इन सी थ्री प्लांट इज़ वेरी हाई जो टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो बहुत ज़्यादा सॉरी लो होता है हाई नहीं होता लो होता है ठीक है वो लो होता है ठीक है वहीं अगर इसकी बात करें सीफर प्लांट की उसमें जो है हाई टेम्परेचर होता है ठीक है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है फोटो में वो हाई होता है थर्ड द रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन इज़ वेरी हाई इन सी थ्री प्लांट ठीक है फोटो रेस्पायरेशन बहुत होती है सी थ्री प्लांट में वहीं जो है फोटो रेस्ट पायरेशन इज़ ऑल टूगैदर एबसेंट होती है इन सी फोर प्लांट में ठीक है अगर प्रेजेंट भी होती है तो बहुत ही कम प्रेजेंट होती है जो सी थ्री साइकिल इज लेस इफेक्टिव इफेक्टिवी फोटोसिंथेटिक एनर्जी फिक्सेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फोटो रेस्पायरेशन वहीं अब सी फोर की बात करें सी फोर साइकिल इज मोर इफेक्टिव देन सी थ्री साइकिल इन फोटो सिंथेटिक्स ड्यू टू द एबसेंस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन फिफ्थ पॉइंट है द कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट इज हाई इन सी थ्री साइकिल अबाउट फिफ्टी पी पी एम ठीक है वहीं अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो जो होती है यहाँ पर लो होती है सी फोर में ठीक है इज दैट क्लियर ये आपका जो पूछा गया था फोर पॉइंट्स के अंदर जो है टेन मार्क्स का पूरा क्वेश्चन था यहाँ पर जो है आ, मैंने सॉल्यूशन के द्वारा जो है आपके आंसर के द्वारा जो है आपको समझाने की कोशिश करिए अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में थैंक यू सो मच